गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वी आर डूइंग चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम. ड्रॉट प्रोन एरिया मीन्स द एरिया विच आर अफेक्टेड विद ड्राउट, यानी जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी कम है और जहाँ पे सूखा पड़ता है उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाए थे उसके बारे में करें. सो इट वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान, यानी इस ड्रॉट प्रोन एरिया के बारे में जो प्लानिंग स्टार्ट की गई थी वो 4th 5-year प्लान में था. 4th 5-year प्लान आपका 1969 से स्टार्ट हुआ था. इट वॉज स्टार्टेड इन 1969 में स्टार्ट हुआ था. इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये थे, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 4th 5-year प्लान फॉर द ड्रॉट प्रोन एरिया. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन द ड्रॉट प्रोन एरिया, इट मीन द पीपल दोज हु आर लिविंग इन द ड्रॉट प्रोन एरिया, फॉर दोज पीपल देर विल बी ए एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइड. मीन्स मोर वर्क दोज आर रिलेटेड टू लेबर इंटेंसिव, यानी जो लेबर इंटेंसिव वर्क थे उनको स्टार्ट किया जाए वहाँ पे, जिससे क्या है कि जो लोग हैं वहाँ पे उनको रोजगार मिल सके. क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट, इट मीन्स दो द रीजन विच आर इन दैट एरिया, जो ड्रॉट प्रोन एरिया थे उसके अंदर क्या किया जाए कि जो ज़मीनें खाली है या जो एरिया जिसका यूटिलाइज किया जा सके, जिसको क्या है कि जो खाली पड़ी है दैट वाज नॉट यूटिलाइज्ड, उसको यूज करके क्या है दैट कैन बी यूज्ड एज ए प्रोडक्टिव एसेट, उसको प्रोडक्शन के तौर पे यूज़ किया जाए. इट एम्फेसाइज ऑन इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, इसमें किसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया, जोर दिया गया इरीगेशन प्रोजेक्ट यानी इरीगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ज़मीनें खाली थी उनको लैंड डेवलपमेंट करके उनके अंदर कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करके, एफॉरेस्टेशन करके, ग्रास लैंड डेवलपमेंट इन दैट एरिया एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो रूरल एरिया के लिए जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, मार्केट है, लोन फैसिलिटी है, सर्विसेज देकर उस एरिया के अंदर सेवाएं जैसे हॉस्पिटल हो गया और चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल करवा के उसको इम्प्रूव किया जाए. तो इन चीज़ों के ऊपर उसके अंदर ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर 4th 5-year प्लान में प्लानिंग बनाई गई. नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेटेजीज क्या बनाई गई, क्या इसकी प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजीज क्या थी. टू क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ड्रॉट प्रोन एरियाज, यानी लोगों के लिए जो खेतों में काम करने के अलावा उनको क्या है कि और ऐसी अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज अवेल करवाई जाए जिसके अंदर वो काम कर सकें. अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रोच एट ए माइक्रो लेवल, यानी वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर दैट विल बी द बेस्ट मेथड टू रिमूव द वाटर स्कार्सिटी. तो उसके लिए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको माइक्रो लेवल मीन स्मॉल स्केल से हर एक घर के अंदर उसको यूज करने के लिए लोगों को उसके लिए बताना. द रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है कि जो हमारा इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस है दैट शुड ऑल्सो बी रिमेन, दैट शुड नॉट बी हार्म ड्यू टू डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट के कारण उसको भी क्या नुकसान नहीं होना चाहिए. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट एंटायर और पार्टली ऑफ द कंट्री प्रोन टू ड्रॉट, यानी जो हमारा प्लानिंग कमीशन था जिसको अब नीति आयोग हम बोलते हैं, उसने 1967 में क्या किया, आपके 67 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसमें से उनको क्या माना कि वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, या तो वो एंटायरली पूरे उस एरिया को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, या उसका कुछ पार्ट. यानी 67 डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि कोई तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है और कोई उसका एक पार्ट है जो आपका ड्रॉट प्रोन एरिया में आता है. नेक्स्ट आपको बताया गया इसके अंदर सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान, यानी ये एरिया कौन कौन से थे 67 डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से एरिया है वो बताया गया इसमें. तो उसमें एक तो राजस्थान का एरिया हो गया, दूसरा आपका गुजरात का, फिर वेस्टर्न मध्य प्रदेश जो आपका राजस्थान के साथ के लगता एरिया वो मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो गुजरात की साइड वाला एरिया हो गया, रॉयल सीमा एंड तेलंगाना प्लेटू ऑफ आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना आपको पता है तेलंगाना में हो गया, और आंध्र प्रदेश में कर्नाटक में भी कर्नाटक प्लेटू है, और हाईलैंड एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी एक हाईलैंड एरिया जो तमिलनाडु के अंदर था और इंटीरियर पार्ट अंदर का पार्ट जो तमिलनाडु का, ये एरिया क्या है, इन एरिया को शामिल किया गया. द ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इरीगेशन इन दीज रीजन्स, कुछ तो एरिया हरियाणा पंजाब और नॉर्थ राजस्थान में भी है बट उन एरिया के अंदर क्या है आपका इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, इसलिए वो एरिया ड्रॉट प्रोन एरिया में नहीं आते हैं. इसमें ड्रॉट प्रोन एरिया किसको शामिल किया गया है कि जिस एरिया के अंदर 30% आपका इरिगेशन एरिया अवेलेबल है, यानी जो एरिया में 30% इरिगेशन होती है तो उस एरिया को इन्होंने ड्रॉट प्रोन एरिया में शामिल नहीं किया है. इससे नीचे वाले एरिया को क्या किया गया, आपका ड्रॉट प्रोन एरिया में शामिल किया गया. तो आपको पता जिस एरिया में हम रहते हैं दिस एरिया ऑल्सो यू कैन कॉल इट ड्रॉट प्रोन एरिया बट ड्यू टू इरीगेशन फैसिलिटी दिस एरिया इज नॉट कमिंग इन द ड्रॉट प्रोन एरिया, इसलिए ड्रॉट प्रोन एरिया में नहीं आता है.
नेक्स्ट एक आपका केस स्टडी दी गई है आपकी, नेक्स्ट आपका क्या दिया गया, एक केस स्टडी दी गई है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी बताएगी कि उसके अंदर किस प्रकार गवर्नमेंट ने प्लानिंग की और उसको डेवलपमेंट किया। तो इसमें बताएगा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमौर रीजन। भारमौर एक जगह है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, उस जगह की बात की गई, उस एरिया की बात की गई है, ठीक है। और ये एक प्लानिंग थी, इसका नाम था आईटीडीपी, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी ट्राइबल का मतलब जो जनजातियाँ, जो आपका आदिवासी लोग हैं, जंगलों में वगैरह में रहते हैं, तो उनके लिए जो प्लानिंग बनाई थी उसकी बात की गई यहाँ पे। तो इसमें कहा गया भारमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेज भारमौर एंड होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी भारमौर एरिया जो है वो कहाँ पे है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट है, उसकी होली तहसील है, उसके अंदर ये भारमौर एरिया आता है। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट हिसार हो गया, फिर हमारी तहसील आदमपुर होगी, वैसे इसमें क्या बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका भारमौर जो एरिया उसकी होली तहसील है और चंबा उसका डिस्ट्रिक्ट है, और स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ये ट्राइबल एरिया नोटिफाई कब किया सरकार ने, 21 नवंबर 1975 में इसको नोटिफाई किया इसके डेवलपमेंट के लिए। भारमौर इज इनहेबिटेड बाई गद्दी ए ट्राइबल कम्युनिटी। यानी भारमौर में जो एक मेनली कम्युनिटी रहती है उसका नाम क्या है, गद्दी कम्युनिटी है। ये क्या करती है, ये आपको पता है सीजनल मूवमेंट करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे इसमें लिखा हुआ ना प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस, ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है सीजनल मूवमेंट। सर्दी के अंदर क्या करेगी, ये लोअर एरिया में आ जाएगी, जब वापस गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो ये अपने वापस उसी एरिया में चली जाती है। तो ये ट्रांसह्यूमेंस सीजनल मूवमेंट करते हैं। स्पीक गद्याली डायलेक्ट, और इनकी जो बोली है उसका नाम है गद्याली, ये भाषा नहीं है इसकी, डायलेक्ट है। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका भारमौर रीजन इसके अंदर बताया गया है, ये मैप है भारमौर रीजन का सारा, ठीक है। इसके अंदर आपकी रिवर बताई गई है, एक तो ये आपकी रावी रिवर है, ये एक आपकी ये इसकी तस्तुक्षाम रिवर जो आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और एक और इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ पर, ये आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी, यानी मेन रिवर यहाँ पर क्या है, रावी रिवर है। तो जो इस रावी रिवर के पास का एरिया, इस एरिया का तो डेवलपमेंट हो गया, बट जो ये एरिया आपका बच गया कुगती और तक्षुमा एरिया, जो ये यहाँ पे तुकदा एरिया, ये एरिया का अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यानी इस एरिया का डेवलपमेंट हो गया है, बट दिस एरिया इज़ लैगिंग बिहाइंड, अभी भी इस एरिया का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। तो ये भारमौर रीजन है आपका, उसका मैप बताया गया है, जो आपका इसको चार रीजन में बांटा हुआ है। एक ये कुगती एरिया हो गया, एक खानी एरिया हो गया, एक आपका तुंदा एरिया हो गया, तुंदा एरिया, कुगती एरिया, खानी एरिया और होली एरिया, ये चार एरिया इसके बताए गए हैं। तो इसके अंदर जो आपका होली एरिया और खानी एरिया, इनका तो डेवलपमेंट बता रहे हैं, पर ये जो एरिया ऊपर वाले हैं ये बचे हुए, इनका अभी डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। अब इसमें आगे क्या बताया गया, भारमौर ट्राइबल रीजन हैज़ हार्श क्लाइमेट कंडीशन, लो रिसोर्स बेस एंड फ्रेगाइल इन्वायरमेंट। यानी भारमौर ट्राइबल रीजन है, ये एक तो आपका माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है सारा का सारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ भारमौर सब डिवीजन वॉज 39,113 पर्सन। यानी 2011 का जो हमारा सेंसस हुआ था, जब जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने भारमौर में कितनी पॉपुलेशन सारी 39,113 लोग रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी देख जाए तो 21% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी बहुत कम है, 13% पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे कम है हमारी जो अरुणाचल प्रदेश में, तो ये लगभग उसके बराबर ही है, 21%, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे कम है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी ये सबसे पिछड़ा हुआ, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ एरिया है ये हिमाचल प्रदेश का। हिस्टोरिकली द गद्दीज हैव एक्सपीरियंसड ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन। यानी इतिहास इस बात का गवाह है कि ये गद्दी जो कम्युनिटी है, ये स्टार्टिंग से ही क्या है, इसको ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और सोशियो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन का शिकार रही है। यानी इनको, इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था सरकारों की तरफ से पुराने समय में। द इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सच एज शीप और गोट रियरिंग। यानी जो इकोनॉमी है इस एरिया की, वो मेनली किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर या आइसोलेटेड एक्टिविटीज, जैसे आपका भेड़ चलाना हो गया, चराना हो गया, या गोट बकरी चराना हो गया, ये इनका क्या है, मेन आपका ऑक्यूपेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ भारमौर स्टार्टेड इन 1970। यानी इस एरिया के लिए जो प्लानिंग बनाई गई वो कब बनाएगी, 1970 में, व्हेन गद्दीज वर इंक्लूडेड अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब। आपको पता है हमारे यहाँ पे एससी एसटी होता है, एसटी का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इस गद्दी कम्युनिटी को 1970 में क्या कर लिया गया था, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर लिया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हेन डिड गद्दी कम्युनिटी वाज इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब, तो आपको लिखना है 1970 में।
अंडर द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान फोर्थ था 1969 से 1974, तो 1974 से 1978 आपका क्या हो गया, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान हो गया। द ट्राइबल सब प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974, यानी ट्राइबल एरिया के प्लान के लिए एक और सब प्लान बनाया गया 1974 में। भारमोर वॉज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द फाइव इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, और भारमोर को क्या है उसके अंदर शामिल किया गया। और इसका एम क्या था मेन, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गद्दीज, यानी उसका मेन मकसद था कि जो गद्दी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। नैरोइंग द गैप इन द लेवल डेवलपमेंट बिटवीन द भारमोर एंड अदर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, और जो हिमाचल प्रदेश के अदर एरियाज में और जो भारमोर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गैप था या डेवलपमेंट का जो गैप था उसको क्या करना, कम करना, उसको बैलेंस करना। इसके लिए गवर्नमेंट ने फिर प्लानिंग कमीशन ने इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए, क्या स्टेप्स लिए वो बताए गए। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी गई, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इस एरिया में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को डेवलप किया गया। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको बढ़ावा दिया गया। सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, समाज की सामाजिक और आर्थिक जो कम्युनिटी से रिलेटेड सर्विसेज जैसा हॉस्पिटल है, स्कूल है, उन चीज़ों को वहाँ पे बढ़ावा दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पोर्टेबल वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी वॉज डेवलप्ड, यानी इस एरिया के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी उनको इम्प्रूव करने के लिए भी प्रयास किया गया, जिसके अंदर स्कूल है, हॉस्पिटल है, वाटर फैसिलिटी है, रोड है, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी। द रिमोट विलेज इन टुंडा एंड कुकती एरिया आर स्टिल डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया था चार एरिया में इसको हमने डिवाइड किया था, तो जो उसमें होली और आपका एक और एरिया था उसका तो डेवलपमेंट हो गया था, पर टुंडा और कुकती एरिया जो है जो ऊपर नॉर्थ साइड में थे उन एरिया का डेवलपमेंट अभी भी कम हुआ था। नेक्स्ट है इसका रिजल्ट क्या हुआ, वट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस ITDP इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हमारे को फ़ायदा क्या हुआ, इसके अंदर पहला क्या रिजल्ट क्या है, ट्रेमेंडस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, सबसे पहले क्या हुआ आपका जो उस एरिया की लिटरेसी रेट थी वो क्या हो गई आपकी, इम्प्रूव हो गई, दैट वॉज इम्प्रूवड। सबसे पहले आपका क्या हुआ कि जो आपकी लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव होगी। इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो गया उस एरिया का। डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, जो पहले वहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ी तो उससे क्या हुआ ये कम होगा। फीमेल लिटरेसी इन द रीजन इंक्रीज फ्रॉम 1.88% इन 1971 टू 65% इन 2011, यानी 1971 के अंदर फीमेल की लिटरेसी रेट उस एरिया में कितनी थी, 1.88%, और 1971 में वो कितनी होगी आपकी, 65%। अ लॉट ऑफ इंक्रीज केम इन लिटरेसी रेट इन फीमेल ओनली। द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन लिटरेसी लेवल एक जेंडर इनइक्वालिटी हैज ऑल्सो डिक्लाइन। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, जेंडर इनइक्वालिटी विच वॉज प्रिवेल्ड इन दैट एरिया, दैट वॉज ऑल्सो रिड्यूस्ड, डिक्लाइन। ट्रेडिशनली द गद्दीज हैड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पास्टोरल इकोनॉमी हैविंग एम्फेसिस ऑन फूड ग्रेन एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, बट ड्यूरिंग द लास्ट थ्री डिकेड्स ऑफ कल्टिवेशन ऑफ पल्सिड एंड अदर कैश क्रॉप हैज इंक्रीज इन भारमोर रीजन। ट्रेडिशनली जो पुराने समय में गद्दी कम्युनिटी के लोग सिर्फ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे, यानी अपने घर के फैमिली के लाइवलीहुड के लिए काम करते थे, जिसमें वो सिर्फ फूड ग्रेन करते थे इसका प्रोडक्शन या लाइव स्टॉक यानी पशुओं को पालते थे, अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया लास्ट थ्री डिकेड से, कल्टिवेशन ऑफ पल्सिस यानी जो दालें हैं उनका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। कैश क्रॉप उन्होंने अपने एरिया के अंदर स्टार्ट कर दिया, जैसे कॉफ़ी या चाय या जो आपका अदर कैश क्रॉप्स है उनको उगाना स्टार्ट कर दिया। बट द गद्दीज आर स्टिल वेरी मोबाइल एज साइजेबल सेक्शन ऑफ द माइग्रेट टू कांगरा एंड सराउंडिंग एरियाज ड्यूरिंग विंटर टू अर्न देयर लिविंग्स फ्रॉम वेज लेबर, यानी अभी भी क्या है गद्दीज कम्युनिटी के लोग हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, मोबाइल यानी मूवमेंट करते रहते हैं और वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं सीजन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। तो ये आपका था इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक केस स्टडी आपकी जो आपकी दी हुई थी भारमोर, जो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह है। So that we have discussed. Tomorrow we will start the next topic, sustainable development. Thank you.